सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ, जो कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी के बी ब्लॉक में होने वाली है। और ये कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, ये आप देख सकते हो, इसका फ्रंट एलिवेशन काफी अच्छा और एकदम शानदार बनाया हुआ है, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और इसके जस्ट आसपास आप देख सकते हो, आसपास पूरी बसावट है। और जस्ट आपको सामने कमर्शियल मार्केट मिलेगी, ये नियर बाय आपके जस्ट प्रॉपर्टी के जस्ट सामने आपको कमर्शियल मार्केट मिल जाती है। और ये रिच लुक होम डेवलपर्स की बिल्डिंग है, जो रिच लुक के नाम से ग्रीनफील्ड में ऑफिस है इनका। और इसके जस्ट बगल में जो ये आपको खुदाई दिख रही है प्लॉट, ये भी सेम ऐसी ही बिल्डिंग बनेगी। यहाँ ये 1103 नंबर है, ये 1104 नंबर है। और फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हो काफी शानदार बनाया हुआ है, 310 गज में प्रॉपर्टी है। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। तीन गेट आपको मिल जाते हैं गाड़ी एंटर करने के लिए, और ये हमारा कुछ मेन एंट्रेंस रहेगा। ये तो पहले ही स्टिल्ट पार्किंग आ जाती है, पर फ्लोर के अकॉर्डिंग आपको दो दो गाड़ी की पार्किंग मिलेगी ऑन पेपर। और ये एंड तक पूरी पार्किंग है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे सर्वेंट रूम बनाए जा रहे हैं, तो आपको पर फ्लोर के अकॉर्डिंग सेपरेट सेपरेट सर्वेंट रूम मिलेंगे। एंड यहाँ पे भी देखो, स्टिल्ट में भी यूजुअली बिल्डर ये सारी चीज़ें करते नहीं है, बट इन्होंने की हुई है। और ऑलरेडी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बना के डिलीवर की हुई हैं, रिच लुक के नाम से बिल्डर का नाम है जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर। और ये हमारा लिफ्ट का सेक्शन आ जाता है, मोटर के कनेक्शंस आ जाते हैं यहाँ आपके, पर फ्लोर के अकॉर्डिंग सेपरेट सेपरेट मोटर लगेंगी। और ये स्टेयर्स आ जाती है, SS की ग्रिल लगाई हुई है, ये आप देख सकते हो। सो गाइस, ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। और ऊपर आने के बाद ये हमारा कुछ एंट्रेंस रहेगा, ये आप देख सकते हो। और ये लिफ्ट का सेक्शन रहेगा, काफी चौड़ा और एकदम वाइड एंट्रेंस दिया हुआ है। और इसकी हाइट भी आपको 7.5-8 फीट के आसपास इसकी हाइट मिलती है। तो यूजुअली बिल्डर ये सारी चीजों में कमियां छोड़ते हैं, बट यहाँ पे आपको ये सारी चीजें ओके मिलती है। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। और अंदर चलते ही सबसे पहले ये हमारा लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है, या आप देख सकते हो काफी, मतलब ये एंटर करते पूरा लॉबी एरिया हो गया। आप डाइनिंग एरिया यहाँ रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो, और डाइनिंग एरिया यहाँ रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो। बट ये सामने जो आपको मंदिर रखा हुआ दिख रहा होगा, ये मंदिर का प्लेसमेंट मूवेबल मंदिर है बेसिकली। आप यहाँ रखना चाहो मंदिर यहाँ रख सकते हो, वहाँ रखना चाहो वहाँ रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक क्लाइंट जो शिफ्टेड है वो, उन्होंने यहाँ पे मंदिर रखा हुआ है। तो आप अगर यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो, डाइनिंग टेबल वहाँ पे आ जाएगा। और इस एरिया की आप फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। प्रॉपर इसमें कोब लाइट वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई है। इधर हमारा प्रॉपर पूरा देख सकते हो, पूरा ड्राइंग एरिया आ जाता है या लिविंग एरिया आ जाता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस मिल जाता है। और यूजुअली जो बिल्डर जो बनाते हैं ना, एंटर करते ही इस चीज़ को सेपरेट नहीं रखते, बट ये चीज़ इन्होंने सेपरेट करी हुई है। सेपरेट से क्या है, आपका प्राइवेसी बना रहेगा प्रॉपर। यहाँ पे आपका 10-7 सीटर सोफा आ सकता है। यहाँ सामने आपको प्रॉपर TV पैनल मिलता है, ये आप देख सकते हो, प्रॉपर ऊपर वॉल तक मिलता है, छत तक। तो आपको यूजुअली इससे काफ़ी लुक इन्हेंस होती है रूम की, एरिया की। और आप इस एरिया की प्रॉपर फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज जैसी आप देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसी ही मिलेगी। और यहाँ आपको 3-टायर UPVC मिल जाती है, जाली वाली और टफन ग्लास वाली, तो प्रॉपर आपको UPVC मिलेगी। और इस एरिया से हमारी बालकनी आ जाती है, बालकनी की लंबाई चेक कीजिए, चौड़ाई चेक कीजिए, काफ़ी अच्छी और एकदम खुली डुल्ली आपको बालकनी मिल जाती है फ्रंट की, ये आप देख सकते हो। और इधर भी आप देख सकते हो, ऊपर भी ये पूरा प्रॉपर डिजाइन दिया हुआ है। ये बेसिकली रनिंग बालकनी है, जो कि इस बगल वाले रूम से भी कनेक्टेड है, तो मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। और ये हमारा कुछ फ्रंट साइड का एरिया आ जाता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर पूरा कमर्शियल मार्केट आएगी। अब मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा रहा हूँ, ये जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। आप इसका रूम साइज चेक कीजिए, काफ़ी स्पेशियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और यहाँ पे आपको ये कबर्ड्स बनी हुई मिलती हैं, ये कबर्ड आपको सभी रूम में बनी हुई मिलेंगी, ये आप देख सकते हो, काफ़ी स्पेशियस है। और इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, ये वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है, मतलब मीन्स कि इस रूम से भी कनेक्टेड है और कॉमन एरिया से भी कनेक्टेड है, ये कॉमन वॉशरूम आ जाता है। इस रूम की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। और यहाँ सामने आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, जो कि रनिंग बालकनी है, तो ऑलरेडी मैं आपको अभी इससे पहले दिखाई है, ये वही वाली बालकनी है। तो आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा रहा हूँ,
ये हमारा सेकंड बेडरूम है, आप इसका भी रूम साइज चेक कीजिए, काफी स्पेशियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और आप इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो, वुडन टच के साथ, जो कि काफी शानदार लग रही है। ये सामने मंदिर रखा हुआ है, ये मंदिर की प्लेसमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कर सकते हो, व्यूएबल है मंदिर है, तो ये बेसिकली मंदिर भी आपको साथ में मिलता है। और ये हमारी कबर्ड्स आ जाती है, ये कबर्ड्स आपको स्पेशियस मिल जाती है, मैं सारी कबर्ड्स खोल के नहीं दिखा रहा। आपको वॉशरूम मिल जाता है, कैरोविन की सारी फिटिंग्स हैं और विद वैनिटी के साथ, एज इट इज आपको जैसा आप देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा, वॉल माउंट पॉट के साथ ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी। अब मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम के बाद इसका थर्ड बेडरूम दिखा देता हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा, ये आप देख सकते हो। आप इसका रूम साइज चेक कीजिए, काफी स्पेसियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और इधर आपको टीवी पैनल लगा हुआ मिलता है, ये आप सामने आपको इस रूम में आपको टीवी पैनल लगा हुआ मिलेगा। और आप इस एरिया की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। और इधर आपको कवर्ड एंड ड्रेसिंग एरिया आपको सेपरेट मिल जाता है, मींस की वॉकिंग क्लोजेट मिल जाती है बेसिकली। और यहाँ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है विद ऑल सैनिटरी फिटिंग होके, जैसा आप देख रहे हो विद वैनिटी के साथ, एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। और इस रूम से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, जो कि बैक साइड की बालकनी रहेगी, और ये मैं आपको बगल वाले रूम से दिखाऊंगा। तो आइए अब मैं आपको इसका नेक्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। नेक्स्ट बेडरूम से पहले मैं आपको इसकी किचन दिखा देता हूँ। ये किचन आपको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन मिलती है सॉफ्ट क्लोजर के साथ, यह देख सकते हो प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर के साथ यह जगह आ जाती है। ये ओवन ओटीजी का स्पेस आ जाता है, यह आपको स्पेस मिल जाता है, आपको आरओ का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको दो सिंक मिल जाती है, जो कि सारी फिटिंग्स जैगवार्स की हैं आप देख सकते हो। और ये आपको विंडो मिल जाती है, विंडो भी आपको इधर भी थ्री टायर यू विंडो मिल जाती है, काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है। इधर आपको चिमनी का होल मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी चिमनी वगैरह लगाओगे। मैं आपको इसका फोर्थ बेडरूम दिखा रहा हूँ, जिस बेडरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ ये हमारा फोर्थ बेडरूम है। आप इस एरिया का रूम साइज चेक कीजिए, इसको स्पेसियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और आपकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। एंड अटैच वॉशरूम आ जाता है विद वैनिटी विद सैनिटरी फिटिंग के साथ आपको मिलता है, एग्जॉस्ट फैन भी लगाया हुआ है, कोई ये विंडो मिल जाती है। रूम से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है, जो कि रनिंग बालकनी रहेगी, या आप बालकनी चेक कीजिए, ये काफ़ी स्पेशियस आपको बालकनी मिल जाती है। और पहले जो रूम दिखाया था वो उस वाले रूम से भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग एरिया पर्पज से इस बालकनी को यूज़ कर सकते हो, का एरिया आप देख सकते हो, पीछे भी पूरी बसावट है, आसपास सभी जगह लोग रह रहे हैं और बसावट पूरी है। सो गाइज, ये मैंने आपको ओवरऑल पूरा घर दिखा दिया है, जो कि 310 गज में भरा हुआ है, 4 BHK, 4 टॉयलेट, जैसा आपको मैंने दिखाया एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा, विद ऑल सैनिटरी फिटिंग एंड लाइक ये सेमी फर्निश्ड होता है। सेमी फर्निश्ड में बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और यूजुअली बिल्डर टीवी पैनल्स वगैरह इतनी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं, जैसा मैंने आपको ये टीवी पैनल वगैरह दिखाई, तो ये टीवी पैनल जो बने हुए हैं एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलेंगे, फॉल सीलिंग लाइट फैन जैसा मैंने दिखाया एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा। और ये जो लोकेशन जो पड़ती है ये ग्रीनफील्ड कॉलोनी के बी ब्लॉक में लोकेशन पड़ती है। और अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, इस बिल्डिंग में खाली एक ही यूनिट अवेलेबल है। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो रेडी टू मूव में तो यही ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। और अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में चलता है, सेम प्लॉट साइज सेम सब कुछ, तो इसके जस्ट बगल में ही हमारी बिल्डिंग बन रही है। अगर आपको जो एज इट इज़ जैसा मैंने दिखाया एज इट इज़ मिलेगा। और अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, इसका जो प्राइस है वो 1,35,00,000 और 1,40,00,000 रुपए आस्किंग है, ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएबल भी है। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, जो मैंने प्राइस बताया दिस इज द आस्किंग प्राइस, ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएबल है। और अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेना चाहता है तो जस्ट इसके बगल में एक और बिल्डिंग बन रही है, हमारी ही बन रही है, तो यहाँ पे अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इनिशियल स्टेज पे। जैसे कईयों की टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको इनिशियल स्टेज में हमारी बिल्डिंग में ऑप्शन मिल जाएगा, सेम ऐसा ही बनेगा डिट्टो जैसा मैंने आपको दिखाया। ये 1104 नंबर है, वो 1103 नंबर है। और अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।